पैर जोड़ दे, और पैर जोड़ दे। कंगाल पाकिस्तान का हाल इन दिनों बेहाल है। पाकिस्तान के लोग इन दिनों कंगाली में जिंदगी गुजार रहे हैं। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते सरकार दवा और खाने पीने जैसी जरूरी चीजें भी दूसरे देश से आयात नहीं कर पा रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। खर्च में डूबे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आर्थिक तंगी के बीच पाकिस्तान में विद्रोह की आवाज भी बुलंद होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच गया है। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग अब भारत के साथ विलय की मांग करने लगे हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान की तस्वीरें हैं, जहां लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और भारत के साथ विलय की मांग कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से नाराज हैं। पाकिस्तान सरकार पर शुरू से ही इस इलाके को नजरअंदाज करने का आरोप लगता रहा है, या यूं कहें जानबूझकर इस इलाके में विकास के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं और वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। पाकिस्तान सरकार से तंग आकर गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने अब भारत के साथ पुनर्मिलन की मांग तेज कर दी है। पाक सरकार के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक वीडियो में गिलगित बाल्टिस्तान में निकाली गई विशाल रैली को दिखाया गया है। इसमें लोग कारगिल सड़क फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं। पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। उनकी मांग है कि गिलगित बाल्टिस्तान को भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले से मिलाया जाए। पिछले करीब 3 हफ्ते से इस इलाके में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। स्थानीय लोग गेहूं और बाकी खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देने, बिजली कटौती, जमीन पर अवैध कब्जा और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के शोषण जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ काफी गुस्सा है। अभी आर्थिक तंगी के चलते वहाँ जो हालात हैं, उसके चलते ये गुस्सा और बढ़ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल कहा था कि गिलगित और बाल्टिस्तान पहुँचने के बाद भारत की विकास की उत्तर दिशा की यात्रा पूरी होगी। दरअसल रक्षा मंत्री ने 1994 के एक प्रस्ताव का जिक्र किया था। संसद में पारित किए गए उस प्रस्ताव में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस लेने की बात कही गई है। टाइम्स ऑन अ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।